अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम इस वीडियो के अंदर प्री मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए जितनी भी पॉसिबल फील्ड्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और इसके अंदर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपके लिए कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपने एमबीबीएस करना है अगर वहाँ पे एडमिशन नहीं हुआ तो उसके अलावा बाकी कौन सी फील्ड्स हैं, उनका क्या स्कोप है, उधर क्या मेरिट है, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही हैं। तो इसके अंदर आपको कंप्लीट डिटेल जो है हम डिस्कस करेंगे रिलेटिंग टू ऑल द फील्ड्स, जितनी भी पॉसिबल फील्ड्स हैं प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए। और खास तौर पे हमारे बच्चों के अंदर ये अवेयरनेस नहीं होती कि उन्होंने आगे किस फील्ड में जाना है। बच्चों ने सिर्फ यही सोचा होता है कि उन्होंने एमबीबीएस में जाना है या बीडीएस में जाना है, इसके अलावा किसी भी फील्ड की खास तौर पे उनको कोई भी प्रॉपर नॉलेज भी नहीं होता और उनको प्रॉपर आइडिया भी नहीं होता कि उसका क्या स्कोप है, कहाँ पे उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और कौन सी यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही हैं प्रोग्राम। सो हम आज की वीडियो में यही सारी चीजें डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा हम एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जितने पॉसिबल स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले टॉप मोस्ट फील्ड से हम स्टार्ट करते हैं एमबीबीएस। हर आप में से बच्चे का ये ड्रीम होता है कि आपने एमबीबीएस में एडमिशन लेना है, और एमबीबीएस के लिए आपने टेस्ट देते हैं, एमडी कैट देते हैं, अभी नेशनल एमडी कैट चल रहा है, आपने वो दिया। इसी तरह जो है हर बच्चे की यही कोशिश होती है कि उसका एमबीबीएस में एडमिशन हो जाए। तो हम यही डिस्कस करेंगे कि एमबीबीएस में अभी अगर हम डिस्कस करें पंजाब और इसी तरह सीन के पी के आजाद जम्मू कश्मीर बलोचिस्तान डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही हैं। सो अभी एक नेशनल एमडी कैट के नेम से आपका टेस्ट हुआ जिसमें आपको पता है कि 80% आपका वहां पे काउंट होगा, 20% लोकल यूनिवर्सिटीज जो है वो अपना इंटरव्यू या टेस्ट जो भी चीज वो लेना चाहेंगी वो लेंगी, ठीक है। सो सबसे पहले अबाउट एमबीबीएस, आपको पता होना चाहिए कि आपने एमबीबीएस क्यों करना है और क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज हैं। सबसे पहले तो एमबीबीएस आपको पता है कि 5 इयर्स का प्रोग्राम है, और इसके बाद इसके हाउस जॉब इंटर्नशिप 1 ईयर की होती है। सिलेक्शन क्राइटेरिया भी ये है कि एंट्री टेस्ट 50% है और एफएससी 30%। ये जो 80% आपका क्राइटेरिया है ये पीएमसी ने खुद मेरिट बना के आपको फिल करवाना है। बाकी जो 20% है ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज पे कि वो आपका इंटरव्यू लेती हैं या नहीं लेती। कुछ कॉलेजेस इंटरव्यूज नहीं ले रहे, कुछ कॉलेजेस इंटरव्यूज ले रहे हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज इंटरव्यूज ले रही हैं, कुछ अपना टेस्ट ले रही हैं। सो ये 20% डिपेंड करता है कि वो लें या ना लें, टोटली उन पर डिपेंडेंट है। जॉब अपॉर्चुनिटीज इनकी सबसे पहले तो गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स सबसे बेसिक, उसके अलावा क्लिनिक्स, हेल्थ डिपार्टमेंट्स में, मेडिकल सर्विसेज ऑफ आर्मी नेवी एयरफोर्स में भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। इसी तरह मेडिकल कॉलेजेस आप बना सकते हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना सकते हैं एज अ टीचर और रिसर्चर, और इसके अलावा आप प्राइवेट क्लिनिक वगैरह भी अपना बना सकते हैं एमबीबीएस करने के बाद। ओके इसके बाद इसके क्लोजिंग मेरिट आपको होता है 17, 18 और 19 से कंटिन्यूसली जो मेरिट इसका बढ़ रहा है। 17 में ऑलमोस्ट 89.9 के क्लोज था, फिर 90 प्लस हुआ और 2019 के अंदर 91.6 तक और एंड पे 4 तक ऑलमोस्ट चला गया। अभी इस साल पंजाब के अंदर 100 सीट्स कम कर दी गई हैं आपकी एमबीबीएस की, अब 3300 टोटल सीट्स हैं और एप्लीकेंट्स ऑलमोस्ट आपके एवरेज ऑन एवरेज आपके 50,000 से 55,000 होते हैं जो कि अप्लाई करते हैं एंड पे, मतलब एंड पे जो टेस्ट देते हैं वो तो बहुत ज्यादा होते हैं ना, इस दफा तो लाख से भी ऊपर थे जो अप्लाई करते हैं एंड पे, जिनका क्राइटेरिया बनता है वो 50 से 55,000 स्टूडेंट होते हैं। फी स्ट्रक्चर अगर गवर्नमेंट में आपका कहीं पे होगा तो 25,000 से लेके आपकी 40,000 तक कॉलेज फी होगी, और इसमें 2-3 यूनिवर्सिटीज के एक्सेप्शन है। एक आपके पास नवाशेफ मेडिकल कॉलेज गुजरात, एक जो आपका सरगोधा मेडिकल कॉलेज है उनकी ऑलमोस्ट 1 लाख फी है क्योंकि वो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा के अंडर आती है, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट 40,000 तक 45,000 तक मैक्सिमम फी है आपकी मेडिकल कॉलेजेस की। उसके बाद अगर हम मेडिकल कॉलेजेस देखें टॉप मोस्ट से लेके, आपके पास किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज है, अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, फातिमा जिना मेडिकल यूनिवर्सिटी बन चुकी है, अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज, सर्विसेज इंस्टीट्यूट शेख खलीफा बिन जैद, निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी, पंजाब मेडिकल कॉलेज, इसके अलावा आपके पास रावलपिंडी, सरगोधा, कायदे आजम शेख जैद, नवाज शरीफ, ख्वाजा मोहम्मद सफदर, गुजरांवाला, गाजी खां मेडिकल कॉलेज एंड साहिवाल मेडिकल कॉलेज।
इट ऑल डिपेंड्स कि आपने किस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपने प्रेफरेंस क्या रखनी है और किस तरह, वो आप पीएमसी का ऑनलाइन जो है पोर्टल जो फिल करेंगे वहां पे आपको आइडिया हो जाएगा। सो इसमें जो आपके पास 3-4 मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पे आपका अगर एडमिशन होता है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब वो आपके लिए सबसे टॉप मोस्ट और इस टाइम मतलब ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे जो रिकॉग्नाइज डिफरेंट लेवल्स पे उसके हिसाब से, उसमें आपका किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड पंजाब मेडिकल कॉलेज, और इसके अलावा आरएमयू, ये आपके पास टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में इस टाइम लिस्ट है। इसके अलावा बाकी सब भी बहुत अच्छे हैं। अगर आपका गवर्नमेंट में कहीं भी होता है और आप किसी भी एरिया से बिलोंग करते हैं, अगर आप करीब भी लेना चाहें तो सारे के सारे मेडिकल कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे फैसिलिटीज अच्छी हैं, आपका जो साथ अटैच्ड हॉस्पिटल है वो बहुत अच्छा है। सो इट्स नॉट अबाउट कि ये मेडिकल कॉलेज अच्छा है ये बुरा है, इट्स ऑल अबाउट आपके लिए क्या चीज सूटेबल है, ठीक है। उसके बाद अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो आपके पास डिफरेंट जो है मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिसमें FMH लाहौर है और CMH लाहौर है, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री है हमारे पास, LMDC है, शरीफ मेडिकल कॉलेज है, कॉन्टिनेंटल है, सेंट्रल पार्क है, राशिद लतीफ है, अख्तर सईद है, अजरा नहीद, एविसीना, शालामार, पार्क रेड क्रीसेंट है, इस्लामाबाद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है, शिफा कॉलेज है, यूसरा मेडिकल कॉलेज है, अन्नफीस है, रावल इंस्टीट्यूट है, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी है, इस्लामिक इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज है, वाह मेडिकल कॉलेज है, अजीज फातमा, UMDC, इंडिपेंडेंट, MMDC, इस्लाम मेडिकल कॉलेज, आमना इनायत एंड हशमत मेडिकल कॉलेज, ये डिफरेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है, आपने किसी भी प्राइवेट में अप्लाई करना ना, उसकी दो क्राइटेरिया है। नंबर वन क्राइटेरिया, आपने किसी भी प्राइवेट में अप्लाई करना तो सबसे पहले आपने PMC की साइट में जाना है, PMC की साइट पे जाके आपने देखना है रिकॉग्नाइज मेडिकल कॉलेज। अगर इस लिस्ट में से किसी का PMC की साइट के ऊपर रिकॉग्नाइज में उनका नाम नहीं है या वो रिकॉग्नाइज नहीं है तो आपने वहां पे अप्लाई नहीं करना। अगर वो रिकॉग्नाइज्ड है उसके सारे क्राइटेरिया पूरा, फिर आपने अप्लाई करना। सेकंड नंबर पे आपके जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, लाइक लाहौर मेडिकल कॉलेज, LMDC है आपका, राशिद लतीफ है, अख्तर सईद है, अजरा नहीद है, ये अच्छे मेडिकल कॉलेज है, शालामार है बहुत अच्छा है। सो प्राइवेट में भी यही डिवीजन है, आपके जितने मेजर मेडिकल कॉलेजेस है ना आपने वो विजिट जरूर करने हैं, एक आपने PMDC की साइट देखनी और दूसरा वो कॉलेज खुद विजिट करना है, उसके बाद आपने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में किसी को प्रेफर करना है कि आपने जिसका नाम सुना उसको आपने प्रेफर करना। बट अगेन आपके पास अगर लाहौर के किसी भी मेडिकल कॉलेज में तो देन बहुत अच्छी बात है, अगर इसके अलावा आपने कहीं देखना है तो आपको एक दफा विजिट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट नंबर पे आगे जो के मेडिकल कॉलेजेस UHS के अंडर नहीं आते, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के अंडर नहीं आते और वो अलग से अपना टेस्ट कंडक्ट करवाते, इसमें आगा खान है, शिफा मेडिकल कॉलेज है, हमदर्द है, FMH और CMH है, इनका अपना होता है टेस्ट और ये हमारे पास अलग से जो है वो टेस्ट कंडक्ट करवा के अपने मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन देते हैं। इनकी जो फी है 8-15 लाख पर ईयर होती है, ठीक है, ऑन एवरेज, अब इससे भी बढ़ सकती है आगे जब वो शो करेंगे। इसके बाद आ गया NUMS। NUMS जो है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, अब चूंकि ये आर्मी के अंडर है सो इसके लिए अलग क्राइटेरिया है, इसमें आपके पास MBBS, BDS, BSML, MLT, MIT, कार्डियक परफ्यूजन, नर्सिंग और ये सारे के सारे इसमें प्रोग्राम होते हैं। इनके एंट्रेंस टेस्ट अलग से होते हैं और ये अपना क्राइटेरिया बनाते हैं, इसके अंदर SAT 2, SAT 1 दोनों चलते हैं। BS नर्सिंग इसमें 4 ईयर का प्रोग्राम है और उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी अगेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये अपना ही क्राइटेरिया रखते हैं, इसमें जो इनका क्राइटेरिया 60% FSC एंड 60% मैट्रिक में मार्क्स हों। एग्रीगेट क्राइटेरिया इनका अभी एग्जैक्ट चेंज होता रहता है हर साल, ठीक है, सो वो आपको हर साल अपडेट देते रहते हैं। अभी इनकी फी ऑलमोस्ट 2 लाख से अबव हो चुकी है, जो कि पहले 1,83,000 पर ईयर थी। एंट्री टेस्ट इनका अगेन ऑलरेडी हो चुका है आपको पता है, तो ये उसी के अगेंस्ट सारी के सारी इसके अंदर होता है। इसके बाद आ गया आपका एडमिशन प्रोसीजर, आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, उसके बाद आपका जो आर्मी के अंडर आप करते हैं तो उसके अंदर आपका वर्बल MCQ, नॉन वर्बल होते हैं, एकेडमिक्स और ये सारी की सारी क्राइटेरिया जो इसके अंदर होता है। जो आपने MC और कैडेट के लिए अप्लाई करना होता है आर्मी मेडिकल कॉलेज या CMH के अंदर, उसमें आपके डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवानी है,
वो अब मतलब इस साल तो गुजर गया, अगर नेक्स्ट ईयर से किसी ने अप्लाई करना तो उनके लिए होता है, ठीक है। सो उसके बाद आपका एक फिजिकल एग्जाम होता है जो कि इनिशियल मेडिकल टेस्ट होता है, फिर 550 स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए और फाइनल इंटरव्यू के लिए, और इनमें से 180 जो है वो रिकमेंडेशन लेटर आता है उनको, और उसके बाद उनके मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और 132 स्टूडेंट्स जो है वो सिलेक्ट होते हैं हर साल, जिसमें 100 स्टूडेंट्स जो है वो आर्मी मेडिकल कॉलेज में और 2 BDS के लिए, और इसी तरह 30 स्टूडेंट CMS के अंदर जो है वो सिलेक्ट होते हैं। इंस्टीट्यूट इसमें देखें, हमारे पास आर्मी मेडिकल कॉलेज है जिसमें MBBS की लोकल सीट्स 40 हैं, फॉरनर की सीट 13 है, सैट 2 की 2 हैं, पेइंग कैडेट्स जो है हमारे पास वो 45 हैं, मेल कैडेट सिलेक्ट होते हैं वो 100 हैं, BDS में 7 है, मेल कैडेट जो सिलेक्ट होते हैं वो 2 है हमारे पास, और PCs और ASCs ये हमारे पास 33 होते हैं। इसके बाद आपके पास आगे BDS, BDS 4 ईयर प्रोग्राम है आपका, 1 साल की इसमें हाउस जॉब होती है, अपॉर्चुनिटीज इसका प्राइवेट क्लिनिक भी है, लेकिन इसका जो गवर्नमेंट जॉब्स है वो बहुत कम होती हैं, क्योंकि हर जो बड़ा हॉस्पिटल है उसमें मैक्सिमम 2 से 3 जो हैं आपके वो डेंटल सर्जन होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते बड़े हॉस्पिटल में, और छोटे में सिर्फ एक होता है। सो इसकी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं गवर्नमेंट लेवल पे, बट प्राइवेट लेवल पे आप अच्छे हर हॉस्पिटल के साथ अटैच हो सकते हैं, इस तरह मेडिकल कॉलेज रिसर्च प्रोग्राम के अंदर आप इसमें कर सकते हैं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में डीमोंट है आपके पास, निस्तर है, और पंजाब मेडिकल कॉलेज का डेंटल सेक्शन और आर्मी मेडिकल कॉलेज का डेंटल सेक्शन है। प्राइवेट में आपका FMH का, CMH लाहौर का, LMDC का, UCMD का हमारे पास, शरीफ मेडिकल कॉलेज का और इस्लाम इंटरनेशनल का, डेंटल सेक्शन ऑफ इस्लामाबाद मेडिकल कॉलेज, रावल इंस्टीट्यूट, मार्गला कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री हमारे पास, और उसके अलावा UMDC और मुल्तान मेडिकल कॉलेज में BDS होता है। इसका भी 91+ मेरिट ऑलरेडी जा चुका है, और इसका भी क्राइटेरिया वही होता है कि आपको MCAT होता है, फीस स्ट्रक्चर इसका भी 15,000 से लेके और 30 एंड सम टाइम 50,000 तक कुछ जो है वो अप्लाई करते हैं। 216 सीट्स जो है इसकी पंजाब के अंदर टोटल है। उसके बाद आगे आपके पास ये आगे आपकी मेजर टू फील्ड जिसमें आपने MBBS और BDS के बारे में डिस्कस किया, इसके बाद हम देखते हैं कि इनके अलावा आपके पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज है। उसमें आपके पास सबसे पहले आती है DPT। आई रिकमेंड कि आप DPT को सेकंड या थर्ड ऑप्शन पे ले लें, क्योंकि अब ये थोड़ी सी ऑलरेडी इसमें सेचुरेशन हो रही है। सो इससे पहले आपके आगे 2 फील्ड्स आएंगी, वो इनसे अच्छी फील्ड्स हैं और उनकी अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। सो ये भी 5 ईयर्स प्रोग्राम है, इसमें भी आपके पास सिलेक्शन क्राइटेरिया हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट है। जॉब अपॉर्चुनिटीज इसकी इंडस्ट्री, स्पेशल स्कूल आप बना सकते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस, एजुकेशन, जिम्स, लेयर एंड स्पोर्ट्स, और पीपल को रिस्क ऑफ इंजरी, उनके लिए भी आप ऑक्यूपेशनल तौर पे इसको अपना सकते हैं। मेरिट रेंज 960, अब 980 या 990 प्लस इसका है वो क्राइटेरिया। ऑफिशियल एग्जाम इसका कोई नहीं है, बट कुछ जो है वो यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस जो है वो MDCAT को रिकमेंड करती हैं। गवर्नमेंट में इसकी फी जो है 50 से 60 एंड समटाइम 80,000 तक पर जो है ईयर होती है, जबकि प्राइवेट में 2 से 3 लाख पर ईयर होती है इसकी। इसमें डिफरेंट DPT के जो पंजाब के अंदर इंस्टीट्यूट है उसमें सबसे बेस्ट अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, देन किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, देन UHS, फिर FMH, फिर UMT, फिर हमारे पास बहाउद्दीन जक्रिया, राशि लतीफ, फिर इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, फिर गुलाब देवी, और उसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा, सरगोधा मेडिकल कॉलेज, रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी, ग्रेस इंस्टीट्यूट, गुजरांवाला इंस्टीट्यूट हमारे पास, और उसके अलावा ग्रेस कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज, इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इस्लामाबाद फेडरल कॉलेज, इसरा यूनिवर्सिटी, रिफा, यूसरा, बशीर, कुमवेव हमारे पास फाउंडेशन फेडरल, और मुल्तान इंस्टीट्यूशन एंड सियालकोट कॉलेज। ये डिफरेंट कॉलेजेस हैं जो DPT करवा रहे हैं। इसमें ऊपर वाले जो टॉप मोस्ट है वो हमारे पास सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जिसकी ऑलरेडी मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दी है। देन हमारे पास है फार्मेसी, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट डिग्री। अगर आपने MBBS और BDS के बाद कुछ करना है तो फॉर्म डी इज समवेयर बेस्ट डिग्री। डी फॉर्म हमारे पास जो होता है विच इज 5 ईयर प्रोग्राम, अगेन हमारे पास प्रॉपर एक डिग्री है, और इंटर्नशिप इसकी 6 मंथ होती है, ओपन मेरिट होता है अगेन, और कुछ इंस्टीट्यूट भी हम एंट्री टेस्ट रिक्वायर करते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर इसकी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, लेक्चरर की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी, मेडिकल कॉलेजेस के अंदर भी है, मेडिकल स्टोर और आर्म फोर्सेस के अंदर और हॉस्पिटल्स के अंदर भी इसकी अपॉर्चुनिटीज है। इसके अलावा आप रिसर्च भी कर सकते हैं। UHS का लास्ट टाइम का एग्रीगेट 89.6 था, ओपन बेस मेरिट होता है,
फी स्ट्रक्चर इसका 30 से 50,000 होता है, जबकि प्राइवेट के अंदर 1.5 से 2 लाख तक इसका पर ईयर का होता है। ये इसकी लिस्ट है जो कि इसके डिफरेंट जो है यूनिवर्सिटीज इसको प्रोवाइड कर रही है डी फार्म की डिग्री, ठीक है। उसके बाद आगे बीएस अलाइड हेल्थ साइंसेज, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या क्या चीजें जो है वो बीएस प्रोग्राम में क्या प्रेफर करना है और कहाँ पे आपने जाना है। अच्छा, आपने डीपीटी से पहले ना इन दो फील्ड्स को रखना है, फार्म डी के बाद, डी फार्म के बाद और डीपीटी से पहले। ये एमएलटी एंड एमआईटी आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट डिग्रीज दीज डेज, बिकॉज यहाँ पे इसका प्राइवेट सेटअप बहुत अच्छा बन रहा है। जिस बंदे ने भी प्राइवेट हॉस्पिटल बनाना है उसको लैब की भी जरूरत है और इमेजिंग टेक्नोलॉजी की भी जरूरत है, ठीक है। सो इसके अलावा अगर आप एमएलटी के बाद एमफिल कर लेते तो आपकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज बन जाती हैं, ठीक है। तो आपने डी फार्म के बाद इनको आपने अपने सिलेक्शन के अंदर रखना है, इसके बाद आपने डीपीटी की तरफ आना है। इसके अलावा जो है आपकी ऑप्टोमेट्री, न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर, ऑडियोलॉजी, कार्डियक परफ्यूजन, डेंटल हाइजीन, डेंटल टेक्नोलॉजी, इमरजेंसी एंड इंटेंसिव केयर, ऑक्यूपेशनल थेरापी, ऑपरेशन थिएटर, ऑप्थेल्मोलॉजी, हमारे पास ऑर्थोटिक्स, हमारे पास रेस्पिरेटरी थेरापी एंड स्पीच एंड लैंग्वेज थेरापी। ये आपके पास सारी की सारी फील्ड्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सारी की सारी फील्ड के लोग, इनकी गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं और इनका प्राइवेट सेटअप भी है। हर जो प्राइवेट हॉस्पिटल बनना है उसमें इन बंदों की जरूरत पड़नी है, हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इन बंदों की जॉब है। 17 ग्रेड की है, 16 ग्रेड की है और बहुत अच्छी जॉब है, और एक डॉक्टर के ऑलमोस्ट करीब करीब इन सब की पे होती है, ठीक है। सो मसला ये होता है कि इन फील्ड्स का बेसिकली लोगों को आइडिया ही नहीं है कि यूनिवर्सिटीज कौन सी करवा रही हैं और कहाँ कहाँ इनको आपने अप्लाई करना है। सो ये सारी की सारी फील्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन सब की बहुत जरूरत पड़ती है। ऑप्टोमेट्री की बात करें, 4 ईयर प्रोग्राम है हमारे पास और कुछ जो है हमारे पास वो 5 ईयर करवाते हैं, इसकी जो प्रॉपर ड्यूरेशन है 4 ईयर का बीएस करवाते हैं। ओपन मेरिट होता है, इसकी भी प्राइवेट होती है, गवर्नमेंट जॉब भी होती है, रिसर्च बेस भी होती है और बायोमेडिकल भी होती है। पंजाब में किंग एडवर्ड, हमारे पे एफएमएच, राशिद लतीफ, कायदे आजम मेडिकल कॉलेज, रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज, केपीके में हफीज इंस्टीट्यूट और पेफ यूनिवर्सिटी करवा रही है। न्यूट्रिशन की बात करें, हमारे पास डीएनडी होती है, डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशन एंड डायरेटिक डायटिक्स, हमारे पास इसकी 6 मंथ की इंटर्नशिप होती है और उसके अलावा ओपन मेरिट होता है, कुछ एंट्री टेस्ट भी रिक्वायर करते हैं, इसकी भी प्राइवेट भी है। फूड रिसर्चर, फूड इंस्पेक्टर, क्वालिटी कंट्रोलर और फिटनेस कंसल्टेंट, इसकी सारी की सारी जॉब्स हो सकती हैं। इंस्टीट्यूट की लिस्ट की सारी आपके सामने, गवर्नमेंट कौन सी करवाती है और प्राइवेट कौन सी करवाती है। इसके बाद एमएलटी, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड जो कि आजकल बहुत इमर्जिंग फील्ड है। इसमें डीएमएलएस होता है जो कि डॉक्टर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी 5 ईयर प्रोग्राम है, एमआईडी है मेडिकल इमेजिंग डॉक्टर जो है ये भी 5 ईयर प्रोग्राम है और बीएस इसका 4 ईयर का होता है। इसमें डायग्नोस्टिक लैब के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, रिसर्च के अंदर एंड एनजीओ के अंदर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। ये इसके इंस्टीट्यूट है आपके पास, किंग एडवर्ड, अलामा इकबाल सर्विसेज, अजरा नहीद, एफएमएच, एलएमडीसी, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, राशिद लतीफ, इसमें सारे आपके पास लिखे हुए हैं जिस जिसके अंदर ये हो रही है। उसके बाद एमआईटी आ गया, अगेन ये भी हमारे पास 5 ईयर एंड 4 ईयर प्रोग्राम है, इसके भी ये लिस्ट आपके पास मौजूद है जहाँ जहाँ ये करवा रहे हैं। सो ये दो फील्ड्स बहुत ज्यादा इमर्जिंग है आजकल और इनके आगे काफी ज्यादा स्कोप है। उसके बाद एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर आपकी बीएस ऑनर ये होता है, हमारे पास ओपन मेरिट का होता है, इसमें एग्रीकल्चर रिसर्च डिपार्टमेंट में, फूड इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर लैब के अंदर, फर्टिलाइजर कंपनी एंड सीड इंडस्ट्री के अंदर, ये इसकी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट मौजूद है। ये आपके पास जनरल स्टेट्स हैं पब्लिक सेक्टर के अंदर एंड प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर। उसके बाद एक और डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज डीवीएम। डीवीएम में ऑलरेडी सेचुरेशन है बट इसकी काफी ज्यादा डिमांड इसलिए कि आजकल ये सेक्टर बहुत ऊपर जा रहा है। सो डीवीएम करने के बाद बहुत से लोग आर्मी में चले जाते हैं, बहुत से लोग अपने प्राइवेट सेटअप बना लेते हैं। सो इसकी काफी ज्यादा गवर्नमेंट एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में, पोल्ट्री फार्म में, डेयरी फार्म में, शीप एंड रेबिट फार्म में, रेस क्लब के अंदर, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट वेटरनरी हॉस्पिटल बनते हैं, आर्मी एम्प्लॉय बनते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, हर जगह इनकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डीवीएम के लिए आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, यूनिवर्सिटी ऑफ एरिड वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज यूवास, और उसके बाद कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज जंग, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहाउद्दीन, रिफा एंड रिफा कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंसेज लाहौर। सो ये सारी की सारी इसकी अपॉर्चुनिटीज हैं। लास्ट फील्ड हमारी रहेगी, डेट इज बीएस नर्सिंग। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फील्ड है खासतौर पर जो फीमेल है उनके लिए, और ये अगेन हमारे पास 4 ईयर का प्रोग्राम होता है और हर हॉस्पिटल के अंदर इनकी
बहुत सारी जॉब्स हैं बड़े, जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल है उसमें तो ऑलमोस्ट हंड्रेड्स के हिसाब से इनकी जॉब्स होती हैं। सो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर से ज्यादा इनकी जॉब्स होती हैं वहां पे, और इनकी बहुत ज्यादा इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज है बाहर जाने के लिए, और फॉरनर और इनके आगे काफी प्रोग्राम है। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। सो दिस इज ऑल अबाउट कि हमने किन किन फील्ड के बारे में डिस्कस की है और आपके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज है। सो आपने जब भी अप्लाई करना है उससे पहले आपने इन सारी फील्ड्स को जेन में रखना है, खासतौर पर ये वाली फील्ड जिसमें भी काफी सारी फील्ड्स अभी हमने डिस्कस नहीं की, कार्डियक परफ्यूजन, डेंटल हाइजीन, डेंटल टेक्नोलॉजी, ये सारी की सारी फील्ड जितने भी हॉस्पिटल है वहां पे अप्लाई हो रहा है, इन सारी फील्ड्स को आपने जेन में रखना है। जैसे मैंने आपको टॉप से बॉटम तक बताई है इस लिस्ट को आपने जेन में रख के उन सब फील्ड में अप्लाई करना है। सो इस तरह आपको काफी अच्छा आइडिया हो जाएगा कि आपने किस किस तरह से चीजों को हैंडल करना और कहाँ कहाँ अप्लाई आप कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडे, एंड अभी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्कॉलरशिप के बारे में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।